नमस्कार साथियों, मैं हूं पीके साहू। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। कक्षा 10वीं का मैथ्स का हम समांतर श्रेणी देख रहे हैं, जिसमें हम पार्ट 5, जिसमें प्रश्न है आपका 13, 15 और 17। वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ हटके हैं, कुछ अलग से है, ध्यान से ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं इसको सरल तरीके से आपको बताऊँगा, कैसे बताऊँगा। चलिए स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं। पहला हल देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 है, देखो ध्यान समझना, 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है, तो 31वां पद क्या होगा? 11वां पद दिया है, 16वां पद भी दिया है, हमको 31वां पद ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? दिया है, या लिख सकते हो माना श्रेणी का प्रथम पद ए और सर्वांतर बराबर डी है। ओके, तो अब यहां पर देखिए प्रश्न अनुसार, प्रश्न क्या बोल रहा है कि श्रेणी का 11वां पद 38 है, या सोच सकते हो एनवा पद बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू, यहां लिख देता हूं साथियों, एनवा पद बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर देखिए एनवा पद मतलब कौन सा, 11वां पद, तो ये 11वां पद, या लिख सकते हो टी एन बराबर प्रथम पद ए प्लस एन माइनस वन और आपके डी। पदों की संख्या कितनी, देखिए 11वां पद 38 है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं साथियों, 38, 11वां पद क्या है 38, तो एन हमको पदों की संख्या हमको दिया है, क्या 11वां पद, देखिए 11वां पद दिया है, 11 माइनस वन डी हमको नहीं दिया है, तो 38 बराबर ए प्लस, देखो 11 में घटा देंगे 10 हो जाएगा, तो ये 12 डी, समीकरण एक दे दीजिए इसको। उसी प्रकार से आप देखेंगे कौन सा पद है आपका, 16वां पद ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 16 पद कितना दिया है साथियों, 73 बराबर प्रथम पद, पदों की संख्या कितना है 16 माइनस वन इंटू डी, 73 बराबर कितना हो जाएगा ए प्लस 15 डी, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, आपको ऐसे ही बनाना है, जब भी आपको दिया हो, दो पद दिया हो, तीसरा पद निकालना हो, तो आपको दोनों पद को निकाल देना है, उसके बाद क्या करना है आपको, देखो समीकरण 2 में समीकरण 1 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, समीकरण 1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, घटाएंगे तो कैसे होगा, देखो a प्लस 15 डी बराबर 73 हो जाएगा, और प्रथम ये देखिए समीकरण 1 ये है, तो a प्लस 12 डी बराबर 38। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3d, ये हो जाएगा साथियों, देखिए 13 में 8 गया 5 और 6 में 3 गया 3, तो 3 एकम 3 हम सॉरी साथियों, यहाँ पे बचेगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 10, तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों 5d, तो d बराबर हम पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए 5d बराबर कितना है 35, तो d बराबर कितना हो जाएगा 35/5, तो d बराबर कितना आ जाएगा 7। d का मान निकल गया, अब d का जब मान निकल गया तो सीधी से बात है हम a का मान निकाल सकते हैं, तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए क्या हो जाएगा, 38 बराबर ए प्लस 10 गुना डी का मान कितना है साथियों 7, 38 बराबर ए कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, पक्षांतर कर दीजिए, पक्षांतर करेंगे साथियों यहाँ पे, तो a बराबर कितना हो जाएगा 38
माइनस 70। देखो डी का मान हम रख दिए तो यहाँ पे ए बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 10 में 8 गया 2 और 6 में 3 गया 3, माइनस 32 हो जाएगा। ओके अब हम देखते हैं कि ए का मान माइनस 32 है तो 31वां पद क्या होगा, है ना। हमको क्या निकालना था, 31वां पद निकालना था, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 31वां पद बराबर क्या हो जाएगा, देखो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये तो हमको फार्मूला लिखना है, ये लिखना है। तो 31वां पद हमको निकालना है t31, तो प्रथम पद हम निकाल चुके हैं माइनस 32 पद, और पदों की संख्या कितनी है साथियों, 31 है, तो 31 माइनस वन। डी का मान कितना है साथियों, डी का मान कहाँ पर निकाले, देखिए 7 निकाले हैं, ये 7 हो जाएगा, माइनस 32 प्लस 31 में घटा दीजिए 30, गुना कितना हो जाएगा 7, माइनस 32 प्लस 7 या 21 210 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या होगा, देखिए घटा दीजिए इसको, 32 घटाते हैं ना, 210 में 32 घटाते हैं तो ये जाए 10 में 2 गया तो 8 बचेगा, ये 10 बन गया, 10 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 7 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 178, कितना बचेगा साथियों 178 हो जाएगा। तो उत्तर में लिखेंगे 31वां पद बराबर 178 होगा। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न का आंसर, जिसका आंसर है आपका 178। ठीक है अब देखते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन यदि आपके पास आता है तब कैसे बनाएंगे। देखिए प्रश्न लिखा क्या है, समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, कौन सा पद बोला है ना। तो माना यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, माना वह पद n है, क्या लिख देता हूँ, वह पद n है। तो समांतर श्रेणी जो दिया है, समांतर श्रेणी क्या दिया है, 3, 12, 15, 27, 39 इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको प्रथम पद देखना पड़ेगा, प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और समांतर कितना हो जाएगा साथियों, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ओके द्वितीय पद कितना है 15 है, प्रथम पद 3 है, कितना आ जाएगा, डी का मान 12 आ जाएगा। ओके अब 12 तो आ गया, डी का मान आ गया, अब हमको करना क्या है, देखो कौन सा पद उसके 54वें पद से दिखे, तो मैंने वो क्या बोला, वह पद n है, तो इसलिए n वह पद बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन बराबर एनवा पद हमने बोला, प्रथम पद कितना है 3 है, एन माइनस वन हो जाएगा, डी कितना है 12 है, तो टी एन बराबर 3 प्लस क्या हो जाएगा, ये 12 एन माइनस 12 हो जाएगा। तो टी एन बराबर देखिए इधर इधर ले जाइए या माइनस कर दीजिए इसको, तो 12 एन माइनस कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये कितना हो गया एनवा पद हो गया, ये टी एन का मान हो गया, है ना। अब देखो क्या करेंगे, कौन सा पद उसके 54वें पद है, इसलिए क्या करेंगे हम, 54वें पद बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हमारे पास t54 मतलब 54वें पद बराबर प्रथम पद 3, पदों की संख्या 54 माइनस वन, समांतर कितना दिया है देखिए 12, कितना दिया है 12 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 प्लस कितना हो जाएगा साथियों 53 गुना 12 हो जाएगा, 3 प्लस गुना कीजिए 12 तिया 36 का 6 हो जाएगा, 3 बचेगा, 12 पंचे 60 और
भारत 36 है ना, 6 और 12 पंचे 60 कितना हो जाएगा 63, 663 हो जाएगा। तो यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 639। ये 54वें पद है जिसे हम देते हैं समीकरण 2 और इसको देते हैं समीकरण 1। आप देखिए कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, कौन सा पद, मैंने क्या बोला वह पद n है। क्या करेंगे यहाँ पर देखियो प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार कौन सा पद 54वें पद से 100 अधिक होगा, तो मैंने क्या बोला वह पद n है। तो क्या निकाले n वह पद, वह 12n माइनस नन, मतलब वह जो n वह पद जो है 54वें पद का मान कितना आया है 639, 54वें पद के 132 से अधिक होगा। मतलब वह पद n है जो कि 54वें पद के 54वें पद से 132 अधिक होगी। तो 12n माइन उधर पक्षांतर कर दीजिए इसको, तो 639 प्लस 132 प्लस 9, तो 12n बराबर कितना हो जाएगा साथियों, देखो 9 और 2 11, 11 और 9 20, 2 5, 5 और 3 8 और 6 और 1 7, 780। तो n बराबर क्या हो जाएगा 780 बटा 12 हो जाएगा, तो n बराबर 12 6 का 72, कितना बचा साथियों यहाँ पे 6, तो 12 पंचे 60, तो कितना आया 65। मतलब क्या लिख सकते हैं आप, कौन सा पद उसके 54वें पद से अधिक होगा, तो उत्तर में लिखेंगे 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ये उत्तर में हम लिखेंगे कि 65वां पद ऐसा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक होगा। ओके दोस्तों, मैंने 13 और 15 बताया, 17 18 19 20 इस प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। तब तक इतना ही, थैंक यू।